शांतिनगर पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने धारदार शस्त्र लेकर दहशत फैला रहे आरोपी को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणेश जामदार ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस उप निरीक्षक अरुण बकाल को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अपने हाथों में धारदार शस्त्र लिए लालगंज झाड़ी चौक इलाके में घूम रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां से आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने जब आरोपी से और पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि आरोपी शुभम जोड़े के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है। कल दिनांक 24/5/2021 बजे जे तपास पथकाचे इंचार्ज PSI बकाल यांना त्यांच्या गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की लालगंज झाडे चौक येथे शुभम झोडे नावाचा एक इसम आहे, तो आता चाकू घेऊन दहशत निर्माण करत आहे अशी माहिती मिळाल्यामुळे आमचा स्टाफ त्या ठिकाणी गेला आणि त्या आरोपीला तो चाकू त्याने चाकू बाळगलेला असताना त्याला अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपी सध्या अटकेत आहे। त्याच्यावर यापूर्वी देखील हर्टचे जुगार या प्रकारचे गुन्हे यापूर्वी देखील दाखल आहेत आणि तपास चालू आहे, आज त्याला कोर्टात हजर केलं जाणार आहे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी से एक लोहे का चाकू समेत 300 रुपए का माल जब्त किया है व पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटपार की रिपोर्ट।